हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 से। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, मैच द फॉलोइंग। हमें मैच करने स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, सी हमारा एक्यूट एंगल होता, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्टिंग। पहले तो हमें देखना कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है। स्ट्रेट एंगल एक सीधी लाइन होती है जो हमारे कितने का बनता है, 180 का बनता है, ठीक है। और एक्यूट एंगल, राइट एंगल हमारे बिल्कुल मेजर 90 का मेजर होता है। एक्यूट एंगल ग्रेटर देन जीरो, लेस देन 90। ग्रेटर देन कितना होगा, जीरो, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो और लेस देन 90। ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90, लेस देन 180। मीन्स क्या होगा, ग्रेटर देन कितना हो जाएगा भाई, ग्रेटर देन 90 से बड़ा और लेस देन 180। रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन कितना, 180 ग्रेटर देन, ओके, और लेस देन 360। ये आपको याद रखना है कि भाई स्ट्रेट एंगल, अब हम देखें स्ट्रेट एंगल 180 का कौन सा बन रहा होगा, लेस देन 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन। भाई 1/4 रेवोल्यूशन हमारा मतलब पूरा गोला कितने होता है, 360। तो 1/4 अगर हम करेंगे लेस देन 1/4 360 का कितना हो जाएगा, 90। तो ये तो नहीं, 90 से छोटा तो हमारा क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट हमारा कहाँ है, सी वाला है। एक्यूट एंगल हमारा क्या, 90 से कम होता है तो भाई सी थर्ड वाले का तो ए हो जाएगा, थर्ड वाले क्या हो जाएगा, 8, बिकॉज एक्यूट एंगल हमारा क्या ग्रेटर देन 90 होता है, ओह लेस ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, ठीक है। अब ये कह रहा लेस देन 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन, 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन हमारा कितना होगा, 360 का होता। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा, 90 आ जाएगा भाई। इट मीन लेस देन, लेस तो बोल ही रहा, 90 से कम तो एक्यूट एंगल है। मोर देन हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन, हाफ से ज़्यादा, भाई हाफ का मतलब क्या हुआ, पूरा कितने का है ये हमारा, पूरा 360, हाफ मतलब 180 ऊपर 180 नीचे, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा हमारा क्या होता है, ऑप्ट्यूस एंगल होता है। ऑप्ट्यूस हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, मोर देन हाफ, सॉरी एक्यूट नहीं होगा, ये रिफ्लेक्स एंगल होगा, सॉरी ये हमारा फिफ्थ वाला होगा, ये वाला कौन सा वाला, फिफ्थ का होगा, ये फिफ्थ जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल है इसका होगा ये, ठीक है, ये नहीं होगा। एक्यूट एंगल हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन, हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन ये होगा, हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन मतलब ये हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल होगा, ये हमारा स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट का, ये हमारा किसका होगा, फर्स्ट का, ओके। ऑब्ट्यूस एंगल, अब देखो 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन, 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन तो राइट एंगल होगा, 1/4 का मतलब 1/4 × 90 भाई, ओह 360 का निकालेंगे 4 तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, तो ये हमारा राइट एंगल का आएगा, ये किसने का आएगा, सेकंड का, राइट एंगल का हमारा ये हो जाएगा, ओके। बिटवीन 1/4 एंड 1/2, 1/4 क्या होगा भाई, 1/4 × 360 का क्या होता, 90 होता, 1/2 180, तो ये ऑप्ट्यूस एंगल का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्ट्यूस एंगल का हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा ऑप्ट्यूस का ये वाला होगा भाई, ओके।